वेलकम टू कुक कैसे हो आप सब लोग मैं हूं संध्या और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूं श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो केरला के तिरुअनंतपुरम में है सो so, इस वीडियो में मैं आप लोग को श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाने के लिए जो भी आपको डिटेल्स की जरूरत है वो सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ सो येस लेट्स गेट स्टार्टेड होटल से बाहर निकलते ही हमें बाहरी ऑटो मिल गया था और ऑटो ने हमें चार्ज किया है सिक्सटी रुपीज़ मंदिर लेके जाने के लिए वैसे हम जिस होटल में रुके हैं उस पर मैंने एक डिटेल ब्लॉग बनाया हुआ है अगर आपने देखा नहीं है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं शुरुआत करेंगे दर्शन के प्रोसीजर के साथ तो आपका जो मोबाइल या कैमरा जो भी आपके पास सामान है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सारी चीज़ें आपको क्लॉक रूम में डिपॉजिट करनी पड़ेगी और अगर आप जेंट्स हो तो आपको शर्ट एंड बनियन भी उतार के यहाँ पर डिपॉज़िट करनी पड़ेगी प्राइजेस नॉमिनल है लेकिन आपको ये कंपलसरी है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखनी पड़ेगी ड्रेस कोड की बात करो तो अगर आपने जीन्स पैंट चुड़ीदार सूट वग़ैरह पहना हुआ है तो आप ये सब पहन के अंदर नहीं जा सकते हो इंस्टेड आपको यहाँ से एक धोती ले लेनी पड़ेगी एंड धोती आप अपने पैंट के ऊपर से या सूट के ऊपर से व्रैप करके अंदर जा सकते हो तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है तो मेक श्योर sure करना कि आप साड़ी या धोती पहन के जाएँ या फिर अगर आप सूट पहन के आ गए हो या पैंट पहन के आ गए हो तो मेक श्योर sure कि आपने ऊपर से एक धोती व्रैप किया हुआ है तो यस ये सब करने के बाद आप मंदिर की तरफ जाएंगे चप्पल रखने के लिए आप ये फ्री चप्पल स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे फ्री और पेड़ दर्शन की तो अगर आप चाहते हो तो पेड़ दर्शन ले सकते हो ये स्पेशल सेवा टिकट होती है पाँच सौ रुपये एक पर्सन का रहता है पाँच साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है वो आपके साथ फ्री आ सकते हैं एंड ऑल्सो इस टिकट का ये बेनिफिट रहेगा कि आपको दर्शन बीस से तीस मिनट में आपका हो जाएगा और दूसरा एडवांटेज होता है कि इसमें आपको एक हंड्रेड रुपीज़ वर्थ एक प्रसाद मिलता है जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर प्रसाद है तो वो भी आपको मिल जाएगा और भगवान जी का एक फ़ोटो मिल जाएगा छोटा सा और ऑल्सो आप भगवान जी की दर्शन एकदम पास भी कर पाएंगे और फ्री में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन होती है काफी पॉपुलर टेम्पल है यह अब बारी है इस बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर मंदिर के बारे में आप लोग को बताने की यह है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुअनंतपुरम को अपना नाम इसी भगवान जी के नाम से मिला है तिरु अनंतपुरम का मतलब होता है श्री अनंतपुर का शहर ये विष्णु जी का मंदिर है मंदिर के अंदर 18 फीट के विष्णु जी अपने अनंत रूप में है विष्णु जी की मूर्ति के बारे में आपको बताने के लिए काफी कुछ था तो मैंने अंदर से एक छोटा सा विष्णु जी का आइडल ले लिया है ताकि मैं आप लोग को अच्छे से मूर्ति के बारे में समझा पाऊँ ये मूर्ति आप डिफरेंट साइजेस में अंदर से परचेज कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो विष्णु जी शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं उनके लेफ्ट हैंड में कमल का फूल है और राइट हैंड शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है है और आप देख सकते हो कि उनकी दाबी से ब्रह्मा जी निकल कर आ रहे हैं तो ये देखिए ये भी आपको अच्छे से दिख जाएंगे और ऑलमोस्ट ऐसी ही मूर्ति अंदर है चुल मूर्ति के पास आपको लक्ष्मी माँ भूमि माँ श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता माँ इनकी मूर्तियां भी आसपास दिख जाएंगी ये मंदिर केरला में तो हमेशा से ही पॉपुलर थी लेकिन 2011 में इस मंदिर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिल गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक आदेश दिया था डिपार्टमेंट को कि वो यहां पर जाकर सर्वे करे। मंदिर के अंदर कुछ सीक्रेट थे जिसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब ओपन किया तो दे देवे सो शॉकड क्योंकि इसके अंदर से इतने सारे गोल्ड डायमंड और जेम स्टोन और सिल्वर और इतने सारी चीजें निकली जब इन सारे ट्रेजर्स का वैल्यू एवेल्यू किया तो पता चला कि यह हो चुका है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर लेकिन एक ऐसा चेंबर है जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ओपन नहीं कर पाए और उन्हें इस बात से मना भी किया गया है क्योंकि माना जाता है कि विष्णु जी अपने अनंत रूप में इस ब्रह्मांड का सपना देख रहे हैं और अगर वो चेंबर खुली तो विष्णु जी की नींद खुल जाएगी और ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं आपसे ये जरूर कह सकती हूँ कि यह मंदिर काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज आप मंदिरों में जाते हो तो एक आपको अलग ही एनर्जी लेवल फील होती है कुछ कुछ मंदिरों में और वो मुझे यहाँ पर फील हुई और इससे पहले मुझे वो एनर्जी काशी विश्वनाथ टेम्पल भीमा शंकर जी के मंदिर कृष्णेश्वर जी के टेम्पल त्र्यंबकेश्वर जी के टेम्पल शिंगनापुर जी के मंदिर मदुरई रामेश्वरम यहाँ पर सब फील हुआ है और और भी काफ़ी सारे मंदिर है जहाँ पर मैं जाकर विजिट करना चाहती हूँ और यस तो डेफिनेटली ये उन मंदिरों में से एक है आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए यहाँ से आप चाहो तो डायरी भी ले सकते हो ये सौरभ 2024 का डायरी लेकर आए हैं मेरे लिए बिकॉज मुझे डायरी में लिखने का बहुत ज्यादा शौक है आई एम लाइक दैट ओल्ड स्कूल पेन एंड पेपर काइंड ऑफ अ पर्सन तो ये yes, अभी इसमें शुरुआत की जाएगी और ईवो ने भी अपने लिए एक बुक ले लिया था अंदर से ये नाइन्टी रुपीज का बाहुबली बुक मिला है सो so, ई वो को भी लाइक रीडिंग का काफी शौक है अभी प्रॉपर रीड तो नहीं कर सकती लेकिन पिक्चर देख के स्टोरी समझने की कोशिश करती है और ये है पद्म तीर्थम जो मंदिर के सामने ही तीर्थ कुंड है तो यहाँ पर अभी एंट्री अलाउड नहीं है लेकिन एक टाइम पर करते थे कुछ साल पहले और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फिशेज भी हैं बहुत ही प्यारा साइट है मंदिर सुबह के साढ़े तीन बजे खुल जाती है और शाम के साढ़े सात बजे तक अराउंड ओपन रहती है और मंदिर में ना हर आधे एक घंटे में पूजा के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है सो so, इसी लिए आपको यू नो फ्री लाइन में अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ जाता है बिकॉज जैसे ही बंद हो जाएगी फिर सोचिए आधा एक घंटे का वेट मतलब एक ही जगह आपको खड़े रहना पड़ जाएगा तो अगर हो सके तो आप पेड़ वाला दर्शन ही करिएगा तो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा एंड ऑल्सो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा ये प्रसाद हमने टेस्ट किया था इट वॉज सो गुड पेड़ दर्शन का जो कूपन होता है उसके एक साइड में प्रसाद का कूपन रहता है तो वो आपको दर्शन होने के बाद एक काउंटर रहती है वहाँ पे बस सबमिट करनी है और आपको इस तरीके के एक बैग में एक अरवना प्रसादम ये अरवना प्रसादम होती है तो ये मिल जाएगी ये वर्थ हंड्रेड रुपीज़ है अगर आप फ्री दर्शन भी करते हो तो आप हंड्रेड रुपीज़ पे करके अलग से भी इसे परचेज़ कर सकते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर भी विष्णु जी की वही मूर्ति लगी हुई है जो एक्चुअल अंदर वाली मूर्ति है एंड इसकी जो टेस्ट होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है थोड़ी सी राइस और जैक्री वगैरह रहती है इतनी रिच और यम टेस्ट होती है इसे आपको आई गेस तीन चार दिन में कंज्यूम करना पड़ेगा लेकिन बहुत ही डिलीशियस प्रसादम है ये आप डेफ़िनेटली अंदर से लीजिएगा ऑल्सो आपको पेड़ दर्शन में इस तरीके का एक फ़ोटो भी मिल जाएगा विष्णु जी का तो ये परफेक्ट रहेगा अगर आप वॉलेट में वगैरह रखना चाहते हो तो मैंने इसे अपने वॉलेट में रखा था तो यस सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने इंजॉय किया और अगर इन्जॉय किया है तो मेक श्योर sure करना कि हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए और नीचे एक छोटा सा कॉमेंट भी मेरे लिए छोड़ के जाइएगा मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ मिलते हैं अगले व्लाग में टेल दिन वो बाय टेक केयर